मंडा तो काफी जबरदस्त वाली बारी हो रखी है इस समय। लोग की भीड़ से लगे रहते हैं प्यारे और भी जा रहे हैं। भाई सुल्तानपुर से अयोध्या आ चुके हैं और ठंड देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है पैक होकर के आए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राम की नगरी अयोध्या में और धर्म चौक काफी फेमस जगह है भाई। अभी तक सबसे लास्ट में बनाई गई थी क्योंकि और जगह पे जो है कार्य लगातार निरंतर यहाँ पे भी चल रहा था और अभी इसको दिखाता हूँ मैं। काफी जो है सुंदर है तरीके से इसको सजाया गया इस चौक को और आप लोगों को मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि धर्म चौक जो है काफी समय पहले ही इसका नाम हो गया था लेकिन इसको पूरी तरीके से जो है तैयार किया जा रहा था। और जो भक्तों की भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है अयोध्या नगरी में देख सकते पीछे साइड और एक से दो दिन के अंदर अयोध्या बंद कर दी जाएगी 22 के पहले। फिलहाल ये हमारे पीछे जो है धर्म चौक देख सकते हैं इसको थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि ठंड ज़्यादा है इसलिए भाई 50-60 किलोमीटर बाइक चला के आए हैं तो दिस इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन फॉर एनीवन। तो अभी दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स। और हम लोग चौक पे ही थे और यहाँ पे देखिए जो 100 इलेक्ट्रिक बसें आई हुई हैं अयोध्या नगरी में उसका भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। वैसे जो DTC बस अपनी दिल्ली में है उसकी आधी बस है ये लेकिन देखने में सुंदर ही लग रही है वैसे ही सेम लग रही है। ये देखिए बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप सभी का स्वागत है अयोध्या के इस सुंदर से ब्लॉग में क्योंकि अभी दो दिन बचा हुआ था तो हमने कहा अयोध्या आकर के कुछ चीजें शूट कर लें कुछ चीजें आप लोगों को दिखाएं। तो चलिए दिखाते हैं अयोध्या नगरी में घुस चुके हैं और बाकी सारी चीजें देखिए इस ब्लॉग में। अभी अयोध्या धाम के हम धर्म चौक के हैं और यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को अभी राम पथ मार्ग घुमाएंगे और भी जो जो जगह पॉसिबल होगी सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में। बोले जय श्री राम। इतना सुंदर जो है इसको बनाया गया कितना सुंदर तरीके सजावट हो रखी है इसको पूरा रोड वगैरह को भी धुल करके यहाँ पर साफ किया गया है। सारी चीजें जो है डिटेल दी गई है कहाँ से हम पहुंचे धर्म मार्ग इसको लिखा गया देखिए हर एक भाषा में जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और बाकी जो है सौर स्तंभ तो आप लोगों ने देखा ही था ये देखिए लगाई है फुलवारी लगाई है काफी सुंदर इसको बनाया गया है ना वो वन विभाग की तरफ से इसको सुंदर सुंदर जो है पेड़ों का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है। राइट साइड में आप बगल भी देखा सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉलपेपर जो है बनाए गए हैं। यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं अयोध्या नगरी में देखिए अभी यहाँ पे बनना बाकी है तो यहाँ पे बन जाएगा और इसकी वजह से आप पूरा रामायण आप पढ़ सकते हैं एक एक चीजों को जो है इसमें इंगित किया गया है इंडिकेट किया गया है। पहुँच चुके हैं हम लोग अयोध्या नगरी। जय श्री राम जय श्री राम। ये देखिए तो लता मंगेशकर चौक सामने पड़ता है और उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे चल रहा है सुंदर सा भंडारा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा प्रसाद वगैरह भी ग्रहण करते हैं। लाइन लगी है लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भव्य भंडारा चल रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। यहाँ पे देखिए लाइनें किस तरीके जो है लगाई गई है। ये देखिए लगातार जो भक्तों का तांता लगा हुआ है और भंडारे यहाँ पे बढ़िया VIP चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब्जी वगैरह मिल रही है चावल वगैरह मिल रहा है। ये देखिए सब्जी चावल जो है प्रसाद के रूप में यहाँ पे मिल रहा है देखने को। ये देखिए तो मिल चुका है आपने को प्रसाद। देखिए यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं काफी सुंदर कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ठंड भी नहीं लग रही है हल्के फुल्के कपड़े पहन करके सब लोग लगे हुए हैं और साला हम दो दो तीन तीन लेयर पहने हैं। ये देखिए प्रसाद यहाँ पे देखिए मिल चुका है। ये देखिए यहाँ पे सब्जी और चावल का जो है यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। लाइनें जो है निरंतर बढ़ती जा रही हैं और प्रसाद आई चलिए थोड़ा ग्रहण करते हैं हमारे भाई साहब। जय जय श्री राम। ये देखिए लोग पैदल पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? आगरा से पैदल? हाँ अच्छा लखनऊ तक। लखनऊ से पैदल आ रहे हैं फिर भी 240 किलोमीटर 50 किलोमीटर बहुत होता है 140 किलोमीटर। ये देखिए हमारे पंडित जी कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा जगन्नाथ से आए हैं। उड़ीसा जगन्नाथ से आए हैं किससे आए हैं आप? हम ट्रेन से। अच्छा ट्रेन से आए हैं तो कब तक रहेंगे अयोध्या नगरी में? आराम से रहेंगे मन भर जाएगा। मन भर जाएगा कहाँ रुके हैं कहाँ ठहरे हैं आप? महीने ठहरे हैं। अच्छा इसे घूम रहे रात में जहाँ मन करा वहीं रह रहे हैं अपना। अच्छा आज ही आए हैं चलिए ठीक है बोलिए जय जय श्री राम। अन्नदान जो सेवा केंद्र है जिसके मेन जो प्रमुख है श्री प्रभुपाद जी उन्हीं की वजह से जो है हर जगह भंडारा चल रहा है। देखिए इधर भी पीछे भंडारा आपको आप लोगों को मैंने दिखाया देखिए इधर भंडारा लगातार देखिए चल रहा है चावल के साथ जो है यहाँ पे सब्जी का जो वितरण किया जा रहा है। और इस्कॉन के जो संस्थापक है आचार्य जी श्री प्रभुपाद जी उनके द्वारा ये जो लगातार जो कार्य चल रहा है अपने पूरे अयोध्या नगरी में प्रसाद के रूप में जो यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए
भंडारे तो आप लोगों ने देखा, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भैया चाणक्य चाय। यहाँ पे काफी फेमस चाय है, यहाँ की मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं के भी यहाँ पे जितने भी आते हैं लोग सब यहाँ पे चाय पी के जाते हैं, क्योंकि चाय ही भाई बहुत VIP है यहाँ पे। तो चलिए चाय पीते हैं। भैया जय श्री राम। भैया का जो चेहरा है आप लोग देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में घूमता है इस समय। जो यहाँ की चाय है ना, हर एक मीडिया, सोशल मीडिया कहते हैं ना, हर एक जगह पे जो है वायरल हो चुके हैं भैया। बड़े स्तर की चाय, मोदी जी भी यहाँ पे एक बार आए थे चाय पीने, ऐसा बोला जाता है। क्यों भैया, सही है बात ये? वादा करके गए आएंगे, एक दिन आएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल था इसलिए नहीं आए, बाकी आने वाले हैं। देखिए बाहर से भी देखिए क्रिएटर आए हुए हैं, बस वही वादा नहीं विकास करेंगे। जय श्री राम भैया। देखिए यहाँ पे बारकोड ले लीजिए आप लोग, जय श्री राम का जो है बारकोड यहाँ पे दिया गया है, काफी सुंदर जो है लग रहा है पेटीएम की तरफ से। और एक और भी हमने देखा था, ये देखिए, तो जय श्री राम के साथ ये जो बारकोड लग रहा है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, ये देखिए। जय हो राम लला की, जय श्री राम लला की, जय हो राम लला की, जय श्री राम लला की, जय हो राम लला की। तो काफी जबरदस्त वाली वाइब हो रखी है इस समय अयोध्या नगरी में, और जो भक्तों की भीड़ है, जो मीडिया वालों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और तरह तरह की चीजें यहाँ पे आ रही, चाहे वो प्रसाद हो, लड्डू हो, फल हो, मतलब जो जहाँ से है वहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी चीजें जो है लेके आ रहा है प्रसाद के रूप में। पूरा एक ट्रक आया हुआ है गुड़ का, ये देखिए यहाँ पे मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको यहाँ का बढ़िया सोशल गुड़ देखिए प्रसाद के रूप में वितरण हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे बनाई जा रही रंगोली। लता मंगेशकर चौक के पास देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही, साधु संत भक्तगण जितने भी यहाँ पे लोग हैं, फोटो कैमरा मतलब न्यूज वाले, हर एक तरीके से जो भव्यता दिख रही है यहाँ पे अयोध्या नगरी में, काफी जबरदस्त देखने को लग रही है। ये देखिए इधर वाइब देखिए, पूरा जगह जो है इसको भगवाधारी बना दिया गया है। आइए यहाँ पे आप भगवाधारी जितना जो भी झंडे वंडे अपनी ध्वज जो लेना हो जरूर आकर के लीजिए यहाँ पे। पूरी माहौल देखिए किस तरीके जो है पूरा जगह को जो है भगवाधारी बना दिया गया है बाबा जी। तो कहते हैं ना अयोध्या नगरी में जब आप आइए तो जिस तरीके से जो राम की अनुभूति होती है वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एक भक्तगण से ये पता चल रहा है किस तरीके से वो खुश है राम मंदिर को बना देख कर। हमारे राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को, चलिए और दिखाते हैं आपको कुछ सुंदर से झलकियां जो कि अपने अयोध्या नगरी की होने वाली। सामो चलिए और कुछ इस तरीके जो है राम की पड़ी देखने को मिल रही है, आप लोग देखिए यहाँ पे, यहाँ पे न्यूज वालों की जो डिबेट वगैरह है वो भी चल रही है, और श्रद्धालु वगैरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लेजर शो वगैरह भी शाम को होने वाला है। देखते हैं अगर लेजर शो होता है तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी तो कुछ इस तरीके जो है यहाँ का एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। तो देखिए न्यूज़ वाले किस तरीके से यहाँ पे बाबा जी का देखिए वहाँ पे चल रहा है एक तो उनका प्रोग्राम, बाकी ये देखिए सामने, ये देखिए डिबेट वहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है देखिए राम की पढ़ी पे राम महोत्सव 2024। काफी सुंदर जो है यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, और जिस तरीके से आप टीवी भी देखते हैं ऐसे दिखता है पूरा बैकग्राउंड किस तरीके से जाता है, लाइटें किस तरीके से लगी होती है, लेजर लाइटें हो, और पूरे स्टेज को इस तरीके से जो है तैयार करते हैं। देखिए डिस्प्ले में आप इस तरीके से देखने को मिलता है, जो स्टेज होता है कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन न्यूज चैनल डिबेट चल रहा है इस समय कर्तव्य पथ पर दो महीने लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, और इसमें टीवी पे जो है आप लोग लाइव देख सकते हैं, टीवी काफी सुंदर जो है डिबेट है यहाँ पे जबरदस्त यहाँ केवल दो ही तीन लोग देख रहे हैं, एक मीडिया वाले, दूसरे श्रद्धालु, तीसरे फिर मीडिया वाले, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है। मीडिया वाले पकड़ पकड़ के लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है और डिबेट चल रहा है, और राम महोत्सव तो आप लोगों ने देखा वो भी काफी सुंदर चल रहा है। तो काफी जो है जबरदस्त माहौल है पूरे अयोध्या नगरी में। आइए दिखाते हैं और भी चीजें ले चल के आप लोगों को, तो कुछ बेहतरीन बेहतरीन चीजें हैं, बेहतरीन क्लिप्स हैं। बाकी लाइक वगैरह करिए, वीडियो थोड़ा शेयर वगैरह करिए। भंडारे वगैरह लगातार चल ही रहे हैं, लोग पैदल दर्शन करने आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, मतलब जो जिस तरीके से जो है रोका गया है फिर भी जो है लोगों का जो भाव है, जो कहते हैं ना कि भावना है पहुंचने की, वो भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। लगातार लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए,
आयता नगरी में, उसी के चलते हम भी यहाँ पे पहुँच गए। ये देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे देखिए, डिबेट वगैरह इधर भी चल रहा है लग रहा है, और इधर चल रहा है आज तक का, देखिए आज तक बुलेटिन वगैरह यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए। तो अयोध्या नगरी में निकले थे, भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, यहाँ पे हमारे एक भैया मिल गए हैं जो कि थोड़ा सा जानकारी ले रहे थे चैनल के बारे में। वे आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी आप कहाँ से हैं? अयोध्या से ही है। अच्छा अयोध्या से ही है। तो देख सकते हैं किस तरीके जो है सरयू घाट इस समय जो है काफी जो है जबरदस्त वाली यहाँ पे वाइब है, काफी ठंड है ये देखिए। और इधर बाकी पूरा न्यूज वाले पूरा छाए हुए है भाई। चलिए और भी चीजें देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ देख सकते हैं पूरा। देखिए हर तरफ जो है जय श्री राम के नारे लगे हुए, निरंतर लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और ये बढ़िया सा एक मंदिर टाइप का जो है किष्किंधा पर्वत यहाँ पे आया हुआ है। देखिए श्री राम जन्मभूमि किष्किंधा अंजनादी पर्वत जो है ये है, ये काफी सुंदर देखने में लग रहा है। लोग यहाँ पे अपना वीडियो वगैरह फुटेज वगैरह लगातार इन लोग का भी चल रहा है शूटिंग वगैरह, ये देखिए भाई। अयोध्या नगरी में आकर के काफी प्रसन्नचित जो है फील होता है, काफी प्रसन्नचित महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके से जो है वाइब देखने को मिलती है, चाहे वो भंडारे की हो चाहे वो राम की पैड़ी पे, किस तरीके से जो है लोग भाव है लोगों का राम के प्रति, और राम की नगरी अयोध्या में किस तरीके जो सजावट चल रही है और किस तरीके से जो है तैयारी चल रही है 22 तारीख की। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, पसंद आती है ना लाइक नीचे करना, कमेंट बताएं वीडियो आप लोग कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।